अभी आप देख रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, और अभी हमने आपको जो दिखलाया था उसमें एक चेहरों पर बालों वाली लड़की की कहानी थी। अब एक और हस्ती से मिलवाते हैं आपको, नेपाल के चंद्र बहादुर दांगी से। ये दुनिया के सबसे कम कद के इंसान हैं। जिंदगी के कठिन डगर पर चलना तब और मुश्किल हो जाता है जब खुद कुदरत ने आपका साथ न दिया हो। जब कई बार आपको अपनी कमजोरी के कारण दूसरों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ा हो। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर सीख ली। नेपाल के चंद्र बहादुर दांगी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक अपने छोटे कद के कारण मुश्किल भरा जीवन जिया है। दांगी की लंबाई केवल 21.5 इंच है, लेकिन इस असाधारण शरीर को ही दांगी ने अपनी ताकत बनाने की सोच ली। उसने दावा किया कि वो दुनिया का सबसे छोटा आदमी है और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ने जांच में पाया कि दांगी का दावा बिल्कुल सही है। और इस तरह से फिलीपींस के जुनेर बालविंग के 27.5 इंच लंबे होने का रिकॉर्ड तोड़कर दांगी ने बनाया है नया रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड ने अब दांगी को विश्व पटल पर सिर ऊंचा करने का मौका दे दिया है। उसका कद छोटा ही सही, लेकिन उसके इरादे आसमान की बुलंदियों तक हैं। चंद्र बहादुर दांगी का कहना है कि लोग उन्हें एक दिन पहचानेंगे और उनकी उपलब्धियां बता रही हैं कि वो दिन अब दूर नहीं। रिपोर्ट GNN न्यूज। और अब बुलेटिन के अंत में दुनिया भर की कुछ बड़ी और तेज खबरें वर्ल्ड एक्सप्रेस में। ओसामा बिन लादेन की आखिरी पनाहगाह रही पाक स्थित एबटाबाद की हवेली को पाकिस्तानी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इसके पहले दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुके ओसामा बिन लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर का भी खाता पाकिस्तान ने सीज कर दिया है। पिछले साल मई में अमेरिका ने रातों रात कमांडो कार्रवाई करके एबटाबाद की हवेली में दुनिया के सबसे वांटेड आतंकवादी को मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि के लिए भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ रही मांग को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपब्लिकन कंटेस्टेंट्स पर तेल कीमतों में बढ़ोतरी का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से करने का आरोप लगाया है। ओबामा ने यह भी माना है कि बढ़ रही गैस की कीमतें अमेरिकियों की जेब पर भारी पड़ रही है। इराक में बम धमाकों और गोलाबारी से तकरीबन 32 लोगों की मौत हो गई। हालांकि गृह मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या 22 है। दूसरी ओर पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन के गृह नगर सलाहुद्दीन इलाके में 4 लोग धमाकों के शिकार हुए हैं, वहीं दियाला में 6 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर यूके अमानो ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु मुद्दे को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका है। को लेकर IAEA खुश नजर नहीं आ रहा है। एजेंसी की टीम 2 दिवसीय दौरे पर ईरान गई थी। ऑब्जर्वेशन टीम को सिर्फ तेहरान में परमाणु अधिकारियों के साथ बातचीत की अनुमति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सीरिया में हिंसा का दौर जारी है। सीरियाई सुरक्षा बलों ने इदलीब प्रांत के होम शहर और गांव में तकरीबन 68 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सीरिया में 2 विदेशी पत्रकारों की भी हत्या की खबर है। पाकिस्तान के पेशावर शहर के कोटवाई पुलिस थाने में एक आत्मघाती हमले में 3 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला तालिबानी आतंकवादियों ने किया है। ये हमला पेशावर में हुए कार बम विस्फोट के एक दिन बाद हुआ है। कार बम विस्फोट में 20 से अधिक लोग मारे गए थे। ये
यात्रियों से भरी एक ट्रेन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में एक रेलवे स्टेशन की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 49 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 675 लोग घायल हुए हैं। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि यात्री ऊपर उछलने के बाद ट्रेन की फर्श पर जा गिरे थे। दक्षिणी चीन के एक स्कूल में लंच करने के बाद 50 बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक छात्र हैकू शहर के लंदून स्कूल के हैं, जिन्हें दोपहर का भोजन खाने के बाद उल्टियां, बुखार और चक्कर आना शुरू हो गया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर अमेरिका का कब्जा ही रहेगा। अमेरिका इस पद के लिए सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार को मैदान में उतारेगा, जिसे अमेरिकी शासन का पूरा समर्थन मिलेगा। मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग अब यूथ के लिए अपना पहला उपन्यास लिख रही हैं। तकरीबन 53 करोड़ पाउंड की संपत्ति की मालकिन रोलिंग के मुताबिक उन्होंने अपने इस उपन्यास के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यह नॉवेल पॉटर सीरीज जैसा नहीं होगा।